दिवाली की साफ सफाई शुरू हो चुकी है और ऑलमोस्ट सब जगह अब ऊनी कपड़े भी बाहर आने लगे हैं। तो अब मेरे ठाकुर जी के भी जो है ये कपड़े अब रखने जा रही हूँ, और ये सारा सामान देखिए कैसे बिखरा पड़ा है। आज पूरे दिन घर की बची खुची साफ सफाई की है, तो ये सारे कपड़े जो निकले हैं उनमें कुछ कपड़े फटे हुए भी हैं और कुछ नए हैं, तो अब मैं इनको छाटने जा रही हूँ। प्रभु के दर्शन करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए आज तीनों ने एक जैसा श्रृंगार किया है, मेरी लाडो ने भी और लड्डू गोपाल ने, गोविंद ने, बलराम जी ने, तीनों ने एक जैसी ड्रेस पहनी है। अब क्योंकि रात हो चुकी है तो अब इनके सुलाने का समय हो गया है, तो सबसे पहले इनकी इत्र की सेवा करूंगी, फिर बाकी का काम करूंगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम प्रतिभा है और मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। कल करवा चौथ था और इस समय दिवाली की साफ सफाई भी बहुत तेजी से चल रही है, और मैंने ऑलमोस्ट सारे ऊनी कपड़े भी निकालना शुरू कर दिया है, अपनी बच्ची के भी, अपने हस्बैंड के भी, और साथ में जो मेरे घर के जो खास सदस्य हैं, मेरे लड्डू गोपाल और मेरी लाडो रानी, उनके भी वस्त्र मुझे अब ऊनी वाले निकालने हैं। और जो ये हल्के कपड़े हैं इन्हें हटाना है। जो देव उठनी एकादशी है उसमें मैं उन्हें ऊनी वस्त्र धारण कराऊंगी। अक्सर लोगों में ये संशय होता है कि भगवान के जो फटे हुए कपड़े होते हैं उनका क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि विसर्जन, हिंदू परंपरा में विसर्जन को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन लोग जल विसर्जन ही जानते हैं और कोई विसर्जन नहीं जानते हैं। लेकिन नदियाँ इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है ना कि नदियों को गंदा करने से बचना चाहिए। और क्योंकि मैं साइंस फील्ड से हूँ तो मैं तो नदियों को गंदा करने के सख्त खिलाफ हूँ। तो पूजा में जो भी सामान निकलता है, जैसे कि फूल है, धूप बत्ती की राख है, या भगवान का जो भी, जैसे हम पान के पत्ते अगर जैसे कोई अर्पित करते हैं, कलश में हम आम के पत्ते रखते हैं, तो वो सब तो मैं भूमि विसर्जन कर देती हूँ, क्यारी वगैरह में डाल देती हूँ। और जो कलश का जल होता है जो डेली हम भगवान के पास रखते हैं, उसे भी मैं घर के बाहर पेड़ के नीचे या फिर भूमि विसर्जित ही कर देती हूँ। नदी में मैं कोई भी चीज़ विसर्जन नहीं करती हूँ। नदी में मैं सिर्फ एक चीज़ का विसर्जन करती हूँ अभी तक। अभी तक तो मैंने फिलहाल यही किया है, नवरात्रि में जो ज्वारे उगते हैं और जो कलश पे जो नारियल रखा रहता है, बस इन दो चीज़ों को मैं नदी में विसर्जित कर देती हूँ। बाकी नवरात्रि में इतना सारा सामान निकलता है पूजा का, हवन का सामान होता है, सब होता है, वो सब मैं किसी खाली मैदान में या फिर कहीं क्यारे वगैरह में भूमि विसर्जन कर देती हूँ। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो भगवान के वस्त्र होते हैं, अगर आप देखो माता रानी की चुनरियाँ ढेर सारी निकलती हैं, और वो जो हम उनको आभूषण पहनाते हैं, माला, हम लोग जो आर्टिफिशियल माला पहनाते हैं, जो इस तरीके की माला होती है, इस तरीके की जो माला होती है, कई बार ऐसा होता है कि ये सब भगवान को वापस पहनाने की इच्छा नहीं होती है, या फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, चमक चली जाती है। जैसे कि देखिए ये वाला वस्त्र नया है तो ये अच्छा लग रहा है, मगर ये काफ़ी पुराना हो गया है। हालांकि ये वीडियो में अब भी चमक रहा है, पर इसकी चमक चली गई है, तो ऐसा लगता है कि अब अपने प्रभु को ये नहीं पहनाएंगे। तो ऐसे में ये सब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो क्या करें, इनका बहुत बड़ी समस्या होती है। नदी में फेंकने जाते हैं, विसर्जन करने जाते हैं, तो दिल गवाही नहीं देता है। तो ऐसा क्या करें कि ये कपड़े सम्मान पूर्वक विसर्जित भी हो जाएं और भगवान को हम नए कपड़े भी पहना दें। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। नॉर्मली विसर्जन जो होता है, जी पूरी सृष्टि जो है वो पंच तत्वों से मिलकर बनी है, जल, अग्नि, भूमि, वायु और आकाश। तो जो भी चीज़ होती है ना, उसको जब हम अपने जीवन से त्यागते हैं, निकालते हैं या उनका विसर्जन करते हैं, तो वास्तव में हम इन तत्वों में उसको विलीन करते हैं। तो हम लोग, अगर आप देखो हमारे जो हिंदू परंपरा है या कोई भी धर्म है, हम लोग की जब डेथ हो जाती है, एक नॉर्मल बात बता रही हूँ, तो कुछ लोग बॉडी को ज़मीन में दफनाते हैं, कुछ लोग अग्नि को समर्पित करते हैं, कुछ लोग जल में प्रवाहित करते हैं भारी पत्थर वगैरह बांध के। तो ये सब विसर्जन के ही तरीके होते हैं। लेकिन हम लोग हिंदू समाज में पूजा से रिलेटेड चीज़ों का विसर्जन एक ही चीज़ से जोड़ते हैं कि जाके नदी में डाल दो जाके। लेकिन आपको नदियों को दूषित करने से बचना चाहिए। अब सवाल ये है फिर करें क्या। देखिए ये जो कपड़े होते हैं भगवान के, ये ऐसे मटेरियल से बने होते हैं कि बहुत ही जल्दी फट भी जाते हैं, बहुत ही जल्दी पर्यावरण में घुल भी जाते हैं।
अगर माता रानी की चुनरी अगर आप देखो, अगर आप सोचो कि लो हम इसको कहीं सजा देते हैं, कुछ बांध देते हैं, तो आप देखेंगे 1 साल बाद वो बिल्कुल पुरानी हो जाएगी, फट जाएगी, क्योंकि ये मटेरियल ऐसा होता है, कोई भी कपड़ा पर्यावरण में एक टाइम के बाद घुल जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब हम नदी में विसर्जित करते हैं तो वो थोड़ी देर बाद किनारे पे आ जाता है, और फिर वही भगवान के कपड़े हमारे पैरों के नीचे आते हैं, वो चीज सही नहीं होती है। तो करना क्या है, कैसे विसर्जन करना है और क्या करना है इन कपड़ों का, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मैं क्या करती हूँ, मैं उस हिसाब से आपसे शेयर करूंगी। अगर आपका कोई अपना व्यू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे ये ड्रेस देखिए, ये ड्रेस अभी नया है, ठीक है, मगर ये यहाँ से थोड़ा सा फट गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, मोबाइल में ये थोड़ा धुंधला हो गया है। सबसे पहले तो जो कपड़ा अभी नया होता है, अभी मैं उसको पहना सकती हूँ, मगर वो फट गया है, तो उसको सुई धागे से सिल लेते हैं, कोई इसमें बुराई नहीं है। सुई धागे से सिल कर हम भगवान को धोकर वापस पहना सकते हैं। तो कोई भी देवी माँ की चुनरी है या भगवान के कपड़े हैं, तो अगर वो नए हैं अभी और फट गए हैं, तो उनको फेंकिए नहीं, उनको सिल लीजिए। गंदगी करने से बेटर है कि वो रीयूज हो जाए। दूसरी चीज कि आजकल यूट्यूब पर इसका ट्रेंड बहुत चला है, कुछ डेकोरेटिव आइटम बनाने का। तो देखिए, डेकोरेटिव आइटम बनाने में कोई बुराई नहीं है, आप लड्डू गोपाल की ड्रेस से या भगवान के कपड़ों से डेकोरेटिव आइटम बना सकते हो। यहाँ तक कि मैंने भी जो है भगवान के ही जो आसन के कपड़े थे उसी से लड्डू गोपाल के बेड का बिस्तर तैयार किया है। लेकिन डेकोरेटिव आइटम बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अपने मन में ये बात हमेशा रखनी है कि वो भगवान के ही उतारे हुए वस्त्र हैं, वो उन्हीं का प्रसाद ही है। जब आप कहीं मंदिर वंदिर जाते हो ना, तो आपको वहां पे चुनरी दी जाती है चढ़ी हुई, जैसे वैष्णो देवी में दी जाती है, राधा वल्लभ में दी जाती है, और कहीं कहीं पे माला दे देते हैं उतार के, तो वो ईश्वर का प्रसाद होता है। तो ये जो कपड़े होते हैं ना, ये भी जो है हमारे भगवान के प्रसाद होते हैं। तो हम इनको कैंची से काटें और सब करें तो वो एक तरीके से थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन आप बना सकते हो डेकोरेटिव आइटम। बस ध्यान ये रखना है कि डेकोरेटिव आइटम आप ऐसे बनाइए जो या तो भगवान के ही यूज में हो, या फिर वो भी एक टाइम के बाद पुराना हो जाएगा, फट जाएगा, तो उसको डस्टबिन में नहीं फेंकना है, आपको फिर भी उसको विसर्जित ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि वो भगवान के ही कपड़े हैं। तो डेकोरेटिव आइटम भी अगर आप बना रहे हो तो ध्यान रखना होगा कि उनको आप जब वो खराब हो जाए, टूट जाए, पुराना हो जाए, तो उसको विसर्जित ही करें। अब विसर्जन के क्या क्या तरीके होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, पंच तत्व में विलीन करने का तरीका होता है। अब हम आकाश वायु में तो ये लड्डू गोपाल के कपड़े फेंक नहीं सकते हैं, तो क्या तरीका है, एक तरीका होता है जल विसर्जन। जल विसर्जन में हम भगवान के कपड़ों को नदी में प्रवाहित कर देते हैं, मगर नदी में प्रवाहित करने से क्या होता है कि वो किनारे आ जाते हैं और हमारे पैरों के नीचे पड़ते हैं, तो कोई फायदा हुआ प्रवाहित करने का, कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप कर क्या कीजिए, जब भी आप भगवान के कपड़ों को जल में विसर्जन करने जाएं, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मेरे पास इस समय ये 4 ड्रेस विसर्जन के लिए हो गई है, मान लीजिए, तो जब ये चारों ड्रेस मैं विसर्जन के लिए करने जाऊंगी, तो इसको एक भारी पत्थर से बांध दूंगी, भारी पत्थर से बांध कर तब इसको नदी में डालूंगी। तो इससे ये होगा ना कि भारी पत्थर के कारण ये नदी में एक ही जगह पे स्टेबल रहेगा, और अगर नहीं भी एक जगह पे स्टेबल रहेगा तो भी किनारे पे आकर किसी के पैरों के नीचे नहीं पड़ेगा, और फिर पानी के अंदर एक ना एक दिन ये गल जाएगा और घुल जाएगा। पन्नी नहीं घुलती है, मगर इस तरीके के जो टिश्यू लाइक क्लोथ्स होते हैं ये घुल जाते हैं। ये देखिए, ये ड्रेस कितनी बुरी तरह फट गई है, अब इसको चाह के भी मैं नहीं सिल सकती हूँ, तो मुझे इसका विसर्जन ही करना होगा। दूसरा तरीका होता है भूमि विसर्जन। भूमि विसर्जन कैसे किया जाता है, जैसे ये कपड़े हैं, ठीक है, आप आसपास कोई प्लॉट पड़ा है या आसपास कोई खेत है या कोई जमीन है, पहले पूछ लीजिए कि क्या हम यहाँ पे छोटा सा गड्ढा कर सकते हैं, फिर वहां पे एक छोटा सा गड्ढा कीजिए और उस गड्ढे में ये सारे कपड़े रख दीजिए, और ऊपर से इसमें अक्षत और जल का आचमन देकर गड्ढे को बंद कर दीजिए और छोड़ दीजिए। ये होता है भूमि विसर्जन। तो कपड़े का भूमि विसर्जन आप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी जो फूल उल निकलता है चढ़ावे में जो चढ़ता है, उसको आप ऊपर से भी क्यारे में डाल सकते हो, वो एक दिन क्यारे में घुलकर खाद, मिट्टी को खाद बना देता है, उसको आपको दफनाने की जरूरत नहीं है।
तीसरा तरीका विसर्जन का, जिसको लेके सब लोग बड़ा नाक भौं सिकोड़ लेंगे, लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी के साथ तो यही होता है, हमारे मृत शरीर के साथ तो यही होता है, लेकिन बहुत लोग इससे भौं सिकोड़ लेंगे। पर मैं बताऊंगी, तीसरा तरीका होता है अग्नि विसर्जन। अग्नि विसर्जन कैसे किया जाता है? जैसे कि ये कपड़े हैं, एक लोहा लोहे का कोई तसला लीजिए या कढ़ाई लीजिए, उसमें इन कपड़ों को रखिए, ठीक है? ऊपर से इसमें अक्षत छिड़किए, जल का आचमन कीजिए, एक कपूर की टिकड़ी ऊपर रख दीजिए और कपूर में अग्नि लगा दीजिए, ये कपड़े सारे जल जाएंगे। फिर उसके बाद जो राख बचेगी कपड़े की, उस राख को आप कहीं मिट्टी में स्प्रेड कर दीजिए या अपने घर के गमले में स्प्रेड कर दीजिए, ये होता है अग्नि विसर्जन। ये गलत नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर के साथ भी यही किया जाता है। तो ये सारे तरीके विसर्जन के होते हैं, तो मैं इनमें से फिलहाल मोस्टली जल विसर्जन को इग्नोर करती हूँ। भूमि विसर्जन तो देखिए पॉसिबल हो पाता है तो ही करती हूँ, और अभी तक मैंने लड्डू गोपाल के शायद ही कोई कपड़े विसर्जित किए हों, क्योंकि मैंने 2019 में मेरे लड्डू गोपाल आए थे, तो अभी अब जाके ये एक दो ड्रेसेस ऐसी हुई हैं जो मुझे विसर्जन करनी पड़ेंगी, तो इन तीनों में से मुझे जो सही लगेगा मैं कर दूंगी। अग्नि विसर्जन भी कर सकती हूँ, क्योंकि जो हमारे पहने हुए कपड़े होते हैं ना, वो हम किसी को अगर देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो भाग्य होता है वो हमसे रूठ जाता है। तो कई बार जो पहने हुए कपड़े होते हैं वो दान नहीं करने चाहिए। अगर आपको पहने हुए कपड़े दान करने भी हैं तो उनको धो कर ही दान करें। तो भगवान के भी कपड़े जब आप विसर्जन करें तो पहले धो लें। क्यों? क्योंकि हमारी शरीर से या भगवान जिन जिन जो जिनको हम दिन रात पूजा करते हैं, जिनमें हम उनकी आस्था मानते हैं, उनसे एक ऑरा निकलता है, वो ऑरा पॉजिटिव भी होता है, वो ऑरा निगेटिव भी होता है। तो कई बार ऐसा होता है ना, जब हम किसी गलत व्यक्ति के कपड़े धारण करते हैं तो हमें अच्छा फील नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी महात्मा के दिए हुए भगवान का प्रसाद ओढ़ते हैं तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है, वो एक्चुअली ऑरा का खेल होता है। तो जब भी भगवान के कपड़े विसर्जित करें तो पहले धो लें, ठीक है? तो ये मैंने सारे कपड़े अलग कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं ऊनी कपड़े निकाल के रखूंगी, और जो कपड़े मैं सिल सकती हूँ वो सिल दूंगी। जो एक दो लड्डू गोपाल की ड्रेस है तो वो मैं अग्नि विसर्जन ही कर दूंगी, क्योंकि जमीन में कहाँ ढूंढूंगी जाके, और जल में मैं प्रवाहित करती नहीं हूँ जल्दी। तो ये तरीका होता है मेरे भगवान के कपड़ों के विसर्जन का। बाकी ये जो माला वगैरह निकलती है इस तरीके की, इससे मैं कुछ डेकोरेटिव आइटम बना लेती हूँ, और वो डेकोरेटिव आइटम क्योंकि ये मोटी है तो ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली मैंने इससे लड्डू गोपाल की एक बास्केट बनाई थी, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ा है। और ऐसी चीजें कई है जो बनाई जा सकती हैं, आप कोई डेकोरेशन का सामान भी बना सकते हैं, मगर ध्यान ये रखिए कि जब भी उसको फेंकिए उस डेकोरेटिव आइटम को, तो ये ध्यान में रखकर फेंकिए कि वो भगवान के कपड़े हैं। तो ये तरीका होता है विसर्जन का, और अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।